नगर पालिका के सब इंजीनियर के चैम्बर में साड़ियों की खरीद फरोख्त की जा रही थी, यह आरोप लगाया है पार्षद अभिषेक बिलगैया ने। जब वो चैम्बर में पहुंचे तो उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की। पूरा मामला बीना नगर पालिका का है। दरअसल सब इंजीनियर शिवराम साहू के चैम्बर में यह सब चल रहा था, जिस पर पार्षद ने इस गैर सरकारी कार्य पर आपत्ति जताई। पार्षद शिवराम साहू ने बताया कि जब काम के सिलसिले में कार्यालय पहुंचे तो टेबल पर साड़ियों के ढेर लगे हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सब इंजीनियर से बात की तो उन्होंने थोड़ा रुकने को कहा। मैं आज दोपहर 1 बजे करीब नगर पालिका गया, क्योंकि करीब 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले नगर पालिका में सभी वार्डों में 5 नल कनेक्शन लगाने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव डाला था और पास किया था। सार्वजनिक नलों की इतनी ज़्यादा समस्या है शहर में कि उनको लेकर डेली कई लोग आते हैं, नगर पालिका जाते हैं, पार्षदों के घर आते हैं। तो उसी समस्या को लेकर मैं आज नगर पालिका जब पहुँचा तो उपयंत्री जो हैं शिवराम साहू जी, उनकी टेबल पे, उनकी आजू बाजू की टेबल पे कई साड़ियाँ रखी थी, कई साड़ियों के ढेर लगे थे। वहाँ केवल साड़ियाँ खरीदी जा रही थी और जो भी व्यक्ति आए थे अपनी अपनी समस्या को लेकर, उनमें से एक मैं भी था, साथ ही पार्षद माधव ठाकुर भी थे। हम लोगों ने अपनी समस्या को बताया तो उन्होंने ये कहा कि अभी आप रुक जाइए। तो मुझे ये लगा कि हम लोग तो ऐसे ही आए हैं, इनका साड़ी खरीदना ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। तो इस बात की आप शिकायत कर रहे हैं आज? मैं जिस प्रकार से धारा 353 का दुरुपयोग करके सरकारी कर्मचारी बार बार हम लोगों पे या आम जनता पे 353 की धमकी देते हैं और 353 लगवाते हैं, तो मैं अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सलाह लेके मैं भी एक आवेदन दे रहा हूँ माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय को कि ऐसे कर्मचारी जो शासकीय कर्मचारी अपने समय का, कार्यालय का, पद का जो दुरुपयोग करते हैं, इन पे सख्त से सख्त और कड़ी कार्रवाई की। वहीं इस मामले में नगर पालिका CMO ज्योति सिंह का कहना है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब निराधार हैं। ये आरोप बिल्कुल गलत है। वो व्यक्ति सबसे पहले हमारे कार्यालय में मुझसे मिलने आए थे, खादी ग्राम उद्योग संस्था से एक कर्मचारी थे, उन्होंने पहले अपना आईडी दिखाया और उनका उद्देश्य खरीद फरोख्त करना नहीं था। उनका उद्देश्य केवल ये था कि जो सरकार द्वारा खादी को बढ़ावा दिया जा रहा है कि लोग खादी का अधिक से अधिक उपयोग करें, खादी ग्राम उद्योग संस्था इसलिए बनाई गई है, तो केवल उसके प्रचार प्रसार के लिए आए थे। उनका उद्देश्य ये था कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं वहाँ पर लोग खादी के कपड़ों का उपयोग करें। तो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे बताया कि मैडम, मैं जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हूँ मैं खादी के बारे में बताऊँगा। उसी उद्देश्य उन्होंने वहाँ पर अपना सामान निकाला था, बेचना उनका उद्देश्य नहीं था, क्योंकि वो कोई सेल्समैन नहीं था। मतलब आरोप सारे निराधार हैं। ये आरोप निराधार है। बीना से प्रीतिपाल राजपूत, सागर TV न्यूज़।